मयूर हॉस्पिटल की सीधी तस्वीरें देखने की और दिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। यहां पर परिवारी जन पूरे तरीके से विलाप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीणों में आक्रोश है अपने परिवार के एक जिम्मेदार व्यक्ति के जाने से, और पूरे तरीके से जीटी रोड को रोक कर दिया है इन लोगों ने। सीधी तस्वीरें देखने की और दिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। यहां पर परिवारी जन पूरे तरीके से विलाप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीणों में आक्रोश है अपने परिवार के एक जिम्मेदार व्यक्ति के जाने से, और पूरे तरीके से जीटी रोड को रोक कर दिया है इन लोगों ने। नगरी के एक बहुत अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, हमेशा हर किसी के सहयोग किया है इन्होंने। ये मेरे बड़े भाई थे और इनकी यहाँ हत्या की गई है। ये पूरी साधारण सा एक ऑपरेशन था। स्टोन का एक ऑपरेशन था। केवल मात्र दूरबीन विधि से इन्होंने करने का प्रयास किया, और बिना एनेस्थीसिया के डॉक्टर के इन्होंने स्वयं, जिसका की हमारे पास प्रमाण है लिखित में, कैलाश हॉस्पिटल ने दिया हमको कि ऑपरेशन के टाइम पे एनेस्थीसिया अधिक दी गई, जिसके कारण इनका हार्ट अटैक पड़ा और ये कोमा में चले गए। 5 घंटे तक इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी, ना इनके पास कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर था उस समय पर। अभी तक इनसे सारे पर्चे मांगे जा रहे थे, अभी तक इन्होंने कोई पर्चा भी नहीं दिया है। मैं सत्येंद्र कुमार फौजी, इस डॉक्टर पे इतना पैसा कहाँ से आया, इसकी जानकारी कराई जाए। डॉक्टर जीवन ज्योति वाला मालिक है, ये फोर्जरी काम करता है। इसने साले ने कहाँ से पैसा कमाया था, इसकी जानकारी दी जाए। इसने मेरे हमारे दामाद को मार दिया और इसने हमारा घर बर्बाद कर दिया। इसने बिना डॉक्टर के इसका इलाज, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, कोई डॉक्टर नहीं था, केवल अपने स्टूडेंटों से इन्होंने ट्रेनिंग करके आरएनडी करी है। डॉक्टर राजवर्धन सिंह के नोरदाबाद के नारे लग रहे हैं साथियों। ये वही हॉस्पिटल है जिसकी शिकायतें पिछले दिनों भी बॉडी के पार्ट्स चेंज होने को लेकर सुर्खियों में रही थी। जिला प्रशासन ने काफी इसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की थी, और आज फिर कोविड के दौरान इनकी बहुत सारी शिकायतें थी। लोगों के बॉडी पार्ट का भी आरोप लगाया था, और बॉडी कोविड के समय पर बॉडियां चेंज भी करने का इन लोगों पर आरोप है। यहाँ पर अक्सर प्रदर्शन होते रहते हैं। ये विशेषकर इस व्यक्ति जो है विवादित मामलों के लिए प्रचलित हैं, और लगभग अगर प्रशासन से पूछी जाए तो इनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें देखने को मिलेंगी। पुलिस के जवानों ने पूरे तरीके से जीवन ज्योति हॉस्पिटल को सुरक्षा देने का प्रयास किया है। अब मैं दिखाने की कोशिश करूंगा ऊपर की ओर, हर मंजिल पर लोग खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं हर मंजिल पर लोग खड़े हुए हैं, या तो तीमारदार हैं या बीमार परिजनों के, या हॉस्पिटल का स्टाफ भी हो सकता है, लेकिन पुलिस ने पूरे तरीके से उसको प्रोटेक्शन देने का काम किया। आप देख सकते हैं साथियों, ये सीधी तस्वीर में आप तक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जनाब, इसको इन्होंने स्टूडेंट द्वारा इन्होंने इलाज कराया है। इनके पास ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना प्रॉपर डॉक्टर की व्यवस्था है, सिर्फ एक स्टोन के ऑपरेशन के चक्कर में इन्होंने आदमी की हत्या कर दी गई है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये जो है सिर्फ हमारे कॉलेज को चलाने के चक्कर में अपने स्टूडेंट को आम जनता के साथ में
प्रैक्टिकल करा रहे हैं, उनकी मृत्यु करा रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले कोरोना काल में उन्होंने अंग भी फेंके हैं, उनके हत्या की है उन्होंने। इसलिए इस हॉस्पिटल को बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये हॉस्पिटल है, ये बंद होना चाहिए। हमारे जीजा को समझ रहा हूँ मैं, आपको कष्ट है काफी। आप देख सकते हैं पुलिस ने पूरे तरीके से ये साथियों, जीवन हॉस्पिटल, जीवन ज्योति हॉस्पिटल के सामने का नजारा है, पुलिस ने पूरे तरीके से प्रोटेक्शन देने की कोशिश की है। यहीं पर परिवारी लोग आप देख सकते हैं विलाप करते हुए परिवारी जन हैं, और महिलाएं भी पूरे तरीके से इतने गुस्से में लग रही हैं। महिलाएं परिवारी जन हैं, माता हो सकती हैं, उनकी पत्नी हो सकती हैं। मेरे सामने में ना जान रही, जाने डेड बॉडी के लोग ना जान रही। मैंने कही मेरा मिल गई, मेरा आदमी है, मेरे की बहुत चला जान रहा। धक्का मार दो, अरे मैं धक्का मार के भगा गई। परिवारी जन पूरे तरीके से सदमे में आए हुए हैं। मैं जीटी रोड की तरफ चलने की कोशिश करूंगा, और काफी भीड़ है यहां पर, काफी तादाद में लोग आए हुए हैं। इसका मतलब गुस्सा काफी पुराना है, गुस्सा फूटने का मौका मिल गया इन लोगों को। गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं पूरे तरीके से जीटी रोड को लोगों ने रोक दिया है, और पूरे तरीके से ट्रैक्टर को लगा दिया है आगे, रास्ता बंद करने की कोशिश की जा रही है, और सबको बीच रोड पर रख दिया गया है। साथियों देख सकते हैं आप किस तरीके से परिवारी जन सबको बीच रोड पर रखकर बलाप कर रहे हैं। काफ़ी गुस्सा है लोगों में, रोष है, गुस्से से बौखलाए हुए हैं लोग, और अपने परिवारी जन की आत्मा की शांति के लिए यहां पर जीवन ज्योति हॉस्पिटल के सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से। मुझे तो लग रहा है कि इनका पूरा रात का रुकना है, इन लोगों ने पूरे न्याय के साथ ही वापस घर जाने के लिए ये लोग यहाँ पर अभी चादर भी बिछा दी है, और यहाँ ट्रैक्टर भी लगा रखा है। साथियों आप देख सकते हैं जो भी लोग इस सीधी लाइव तस्वीरों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे तरीके से ये जीटी रोड का शार्दुल चौराहा है, बस स्टॉप के ठीक सामने चार चार ट्रैक्टरों से यहाँ पर लगता है भीड़ आई हुई है। Thank you.
हेलो मुकदमा लिखेंगे ना ना सामने लाइसेंस कराने की कार्रवाई करेंगे इसकी अरेस्टिंग करेंगे आप यहाँ के जिम्मेदार आदमी आखिर क्या हुआ था यहाँ ये भीड़ जो प्रदर्शन हो रहा किस तरीके का? ये लोधा थाना क्षेत्र के सत्यदेव शर्मा जी वो पथरी का ऑपरेशन के लिए इन डॉक्टर साहब के यहाँ आए थे। इन्होंने बिना उसकी जांच किए हुए किसी परीक्षण किए हुए इनका डायरेक्ट ऑपरेशन करा दिया और गलत तरीके की दवाइयों का प्रयोग किया जिससे उनकी हत्या हो गई। पूरा क्षेत्र लोधा क्षेत्र तमाम जनता जागरूक और तमाम थाना ताला नगरी के लोग तमाम ब्राह्मण समुदाय के लोग इससे उत्तेजित हो गए और इस डॉक्टर को हत्या का आरोपी मानते हुए इसको हत्या के आरोप में जेल भेजने की मांग करते हैं। हम भी जेल भेजने की मांग करते हैं और कठोर रूप से इसका परमानेंट मेडिकल कॉलेज की लाइसेंस को ख़त्म करने की मांग करते हैं और इसके हत्या के जुर्म में जेल भेजने की प्रशासन से अपील करते हैं। कोविड के दौरान बहुत सारे यहीं के विवादित मामले आखिरकार क्यों आते हैं? बॉडी पार्ट्स की बात हो या मृत्यु होने के बाद मोटे मोटे भुगतान की बात हो, आखिर यही हॉस्पिटल इस तरीके की हरकतें क्यों करता है? एक्चुअली में ये हॉस्पिटल लोधा क्षेत्र के सबसे निकटतम जीटी रोड पर स्थित है। जब परेशान व्यक्ति होता है तो वे चाहता है कि सबसे पहले किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए, तो जीवन ज्योति हॉस्पिटल लोधा और खैर क्षेत्र में जैसे ही शहर में प्रवेश करते हैं सबसे पहले आता है, इसलिए लोग यहाँ एडमिट कराते हैं। यहाँ गैर जिम्मेदार डॉक्टर, गैर जिम्मेदार कर्मचारी, गैर जिम्मेदार स्टाफ उन लोगों को गलत तरीके से उपचार करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा घटना है इसी अस्पताल की। कई बार किडनी निकलने का भी यहाँ पे वो हुआ है, कई बार हो चुका है कि कई लोगों की यहाँ पे पेशेंट की किडनी भी निकाल चुके हैं ये लोग सामने आए। किस तरीके से पता चली बात? जैस हमारा वो पहले भी एक बार हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ था, हमारे रिलेटिव थे उनके साथ में भी ऐसा हुआ था, पैसे की भी बहुत डिमांड करते हैं और किडनी भी उनकी निकाली हुई है। जिंदे हैं? मर गए? वो तो पहले भी मर चुके हैं, ये भी मेरे जीजा जी हैं जो अभी एक्सपायर हुए हैं, ये मेरे जीजा जी हैं। क्या नाम? मेरा नाम गौरव शर्मा है सर।